मुझे पता नहीं है कि हम किस तरह के भविष्य की परिकल्पना करते हैं अपने राज्य में। हम बातें अक्सर करते हैं कि ये जो युवा हैं वो हमारे राज्य और देश के भविष्य हैं और आगे चल के राज्य का जो किस्मत है वो लिखने वाले हैं। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये जो युवा है ना, ये अपने किस्मत को अंधकार में देखकर एक अलग ही राह बना रहे हैं और वो राह है आंदोलन का। अब आप ये समझे कि एक विद्यार्थी जो वर्षों मेहनत करता है, एग्जामिनेशन निकालता है, वो एग्जामिनेशन जिसके लिए सरकार विज्ञापन देती है, लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं, उसमें से कुछ एक हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं, आगे का प्रोसेस होता है उसमें भी सिलेक्ट होते हैं, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला होता है तो चीज़ें रुक जाती हैं। और रुकती भी ऐसी हैं कि एक साल दो महीने बीत जाता है और फिर भी मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है। हम पंचायत सचिव पद की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं सिमडेगा से हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा इसके पीछे बैक स्टोरी बता देता हूँ। 17 में विज्ञापन निकलता है, 2018 के जैन और फैब में एग्जामिनेशन होता है, 19 में रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट होता है और फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है। और ये एक साल दो महीने हो गए। मुद्दा फंसा कहाँ है? मुद्दा कहीं राजनीति में तो नहीं फंस गया? बात बीजेपी और जेएमएम की है, काम बीजेपी में हो रहा था, अब जेएमएम की सरकार है। क्या लगता है चीज़ें कहाँ पे अटक गई हैं? पता नहीं सर, फाइल तो सारा कुछ ओके है, सब कुछ सही है, जो भी आता है ये बोलता है कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही है, बट पता नहीं फाइल अटक कहाँ रही है और क्यों रही है ये समझ ही नहीं आता है, ये समझ से परे हो चुका है। आंसू गिर जाते हैं आप लोगों के बोलते हुए, मैंने ऐसे कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, आप लोग रो रही हैं, तो ये एक एक्ट कर रही हैं आप लोग रोने का, या ये वो आंसू है जो सरकार को बाद में रुलाएगी? सर एक्ट क्या करेंगे, जब आप दर्द में रहो तीन साल चार साल, जब जख्म नासूर हो जाता है तो आंसू तो आंखों से ही गिरेंगे ना, एक्टिंग वाली कोई बात ही नहीं है। अगर किसी को ये एक्टिंग लगती है तो कोई हमारी जगह आके खड़ा होके देखे, दिन भर रोड में इस तरह से घूम घूम मतलब खड़े होना और अपने न्याय के लिए गुहार लगाना, ये कोई मजाक नहीं है। अगर हमारे पास सब कुछ सही रहता, हम लोग की लाइफ में सब कुछ ओके रहता, तो किसको शौक है यहाँ फेस्टिवल के टाइम पे रोड पे बैठ करके और इस तरह से अपनी मांगों को मनवाने का? जी मैं भी यही मैसेज कन्वे करना चाहता था कि युवा क्यों मजबूर है, उसके आंखों से आंसू है, ये वो युवा है जो कुछ पैसे जुगाड़ने के लिए भिक्षाटन को मजबूर हो गए, ये वो युवा है जो जिन्होंने अपने विरोध को दिखाने के लिए गाड़ियां तक साफ की, गाड़ियां भी साफ कर डाली, भीख भी मांग डाला, अब क्या करेंगे आप लोग? सर कल तो इच्छा मृत्यु की मांग की हमने, या तो नियुक्ति या तो इच्छा मृत्यु, अब इससे ज़्यादा और क्या। अब अगर हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी जॉइनिंग नहीं मिल पाती है तो उसके बाद एक जो इच्छा होती है जीवन की वो समाप्त होने लगती है, क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिविटी सी आने लगती है, वो नेगेटिविटी बाकियों को ख़राब ना कर दे, इसलिए हमने दया याचना की है। अगर हमें आप नियुक्ति नहीं दे सकते तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दें। इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। अच्छा ये जब लाइन हम कहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, हमारे नेता कहते हैं, अब आप इसे कैसे देखते हैं? सिर्फ कहते हैं, अगर पूरा करना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, और इस मैदान में बहुत सारे लोग हैं, और अगर वाकई उनको इस चीज़ से दर्द होता है और ये उनके मन में है तो प्लीज़ रिजल्ट देकर के इस चीज़ को कंफर्म करें। ये सिर्फ एक लाइन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ एक लाइन है, रियलिटी में बदली नहीं है। नेताएं अक्सर आते हैं हमारे पास में, वादे करते हैं, आप लोगों को भी वादा किया गया था। जी सर बिल्कुल। वो नेताओं का अभी कैसा रवैया है आप लोगों के प्रति? उनका है कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, तो मेरा बस यही बोलना है कि जब किसी की सांस उखड़ जाएगी तब काम होगा तो क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, और अगर आप इस तरह से करते हैं स्लो 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 तो लोगों की जान पे भी बना सकती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं एक फाइनल चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी कुछ कॉन्क्रीट नज़र आ रहा है इतने विरोध के बाद में, क्या सरकार का रवैया आपके प्रति नरम है? क्या जो नेता विधायक आपके पास में आ रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ काम हो रहा है? सर नेता विधायक आश्वासन ये सारे वर्ड तो दिन भर दिमाग में घूमते रहते हैं, बट एक बात आज सही लगी थोड़ी सी कि अमर प्रसाद मैम ने बोला कि कमेटी बनी है, और मैंने उनको बोला कि अभी तो चार दिन है वर्किंग डेज के, और अगर आप लोग इस तरह से हमें छोड़ दोगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, हम अनशन पे बैठे हुए हैं, अगर बहुत लंबा चल जाएगा तो तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जान की रिस्क है। बोले नहीं ऐसा होने नहीं देंगे हम लोग, मैं आज ही जाके बात करती हूँ, कल या परसों तक हम लोग आपसे
जुड़ करके और फेस टू फेस बात करेंगे। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने कैसी कमेटी बनाई है 11 विधायकों की, जो कि सामने से आकर के बात करेंगे और स्टूडेंट और विधायक को जोड़ करके एक वार्ता की जाएगी और उसके बाद से समाधान निकाला जाएगा ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो सके। अभी करंट सिनेरियो में अगर पॉलिटिक्स वर्ल्ड को डिफाइन करना हो, राजनीति को डिफाइन करना हो, आप इसे अब कैसे देखती हैं? सर, अभी तक तो जो हो रहा है इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद, तो हम सबसे हॉट टॉपिक बन जाता है स्टूडेंट और रोज़गार। लोग ये बोल करके सत्ता में आते हैं और फिर इसी मुद्दे को भुना भुना के चुनाव जीतते हैं, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है। हमारी क्या गलती है, नीति किसकी थी, वैकेंसी किसकी थी, कौन किसका पाप है, कौन किसका पुण्य है, ये सबसे हमें मतलब नहीं है। आपको बीजेपी और जेएमएम से इन्हें मतलब नहीं है, इन्हें रघुवर दास से और हेमंत सोरेन से मतलब नहीं है, आपको नौकरी से मतलब है। जी सर, जो सरकार देखिए पालने मारा जन्म देने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है पालने वाला। तो अगर आज हाँ गवर्नमेंट जो है अभी की, हेमंत सर जो हैं, वो हमें रोज़गार देते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि जिंदगी भर हम उनका तो गुणगान करेंगे, क्योंकि इस मुश्किल सिचुएशन से निकालने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा हमारा। हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है कि जेएमएम की सरकार है या बीजेपी की सरकार थी, हमें कोई मतलब नहीं है सर। स्टूडेंट बेरोजगार की कोई जात नहीं होती, बेरोजगार तो बस बेरोजगार होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, बेरोजगार की जात नहीं होती है। यहाँ खाना पीना रहना, ये सेटलमेंट भी कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है सर, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कर रहे हैं और सब कोई खाना नहीं खाते, कुछ ही मतलब काफ़ी सारे लोग तो अनशन पे बैठे हुए हैं, तो एक टाइम का खाना बनता है और तीनों टाइम खाना नहीं पॉसिबल है हम लोगों के लिए, क्योंकि कंट्री कर करके रह रहे हैं सबको यहाँ पे। उम्मीद बनी हुई है हो जाएगा दो चार दिन में कुछ? बोला तो है अब नहीं हट जाएंगे अभी या फिर अभी नहीं, जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा, हमने बोल दिया रिटर्न चाहिए, रिटर्न नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं हट सकते हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत टाइम से हमें वो मौखिक आश्वासन बहुत मिल चुका है, मौखिक आश्वासन से कुछ नहीं होता है सर, रिटर्न 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 बस। 17 में विज्ञापन, 18 में एग्जामिनेशन, 19 में रिजल्ट, मेरिट लिस्ट अब तक नहीं आया, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बुरा वक्त आप राज्य के लिए कह सकते हैं, जब हमारे राज्य के युवा इस कदर अनशन करने के लिए मजबूर हैं। इंतज़ार इन्हें भी है कि कब इनके हक में फैसला आता, और इंतज़ार सभी को है कि कब ये जो पंचायत सचिव पद के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरिट लिस्ट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी कब होगी।